नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द असाइनमेंट इज शो दैट 2 sin² बीटा प्लस 4 cos α प्लस बीटा sin α sin β प्लस cos2 α प्लस बीटा, ये पूरी वैल्यू आपकी cos2α के इक्वल। ठीक है, तो मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात करता हूँ, राइट हैंड साइड में तो कहीं दूर दूर तक साफ ही दिखाई दे रहा है कि मैं उससे ये जूम कर दूँ। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड की आपकी 2 sin² बीटा प्लस 4 cos विद इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा sin α sin β और प्लस cos 2 α प्लस। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो, cos 2 θ क्या है? cos 2 θ, cos 2 θ किसके इक्वल होता है? यूजिंग कैन आई से दैट cos 2 θ इज इक्वल टू 2 cos² θ -1। यस और नो? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इक्वल टू 2 sin² बीटा प्लस 4 cos α प्लस बीटा sin α sin β और cos 2 θ, cos 2 θ ये आपका थीटा है, ये आपका क्या है यहाँ पे थीटा, तो इट विल बी इक्वल टू 2 cos² θ। तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा, और माइनस में क्या आ जाएगा भाई? ये स्टेप क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो, कैन आई से दैट मैं यहां से 2 cos α प्लस बीटा कॉमन ले सकता हूं इन दोनों टर्म्स में से? ले सकता हूं। ठीक है, तो इक्वल टू 2 sin² बीटा प्लस आपने कॉमन ले लिया 2 cos α प्लस, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 2 cos, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 2 sin, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 2 sin α sin β। देखो, 2 तो कॉमन चला गया है, यहां से बचेगा आपके पास cos α प्लस बीटा, राइट? ब्रैकेट क्लोज और माइनस में ये बन, ये क्लियर है? अब यहां मैं आइडेंटिटी लगा सकता हूं, कौन सी? cos A प्लस β, तो ये हो जाएगा आपका 2 sin² बीटा प्लस 2 cos α प्लस बीटा विद इन ब्रैकेट 2 sin α sin β cos A प्लस β। क्या हो जाएगा? cos A cos β माइनस sin A sin β, यही पढ़ा था आपने, और माइनस में क्या हो जाएगा? 1। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये वाला पार्ट इससे सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा और सिंपलीफाई हो गया। अब व्हाट वी विल हैव, 2 sin² बीटा प्लस 2 cos α प्लस बीटा, और ये हो जाएगा आपका cos A cos β प्लस में क्या हो जाएगा? sin A sin β, और माइनस में क्या हो जाएगा? 1। अब ये भी एक आइडेंटिटी बन रही है, cos A cos β प्लस sin A sin β, तो ये क्या हो जाएगा? 2 sin² बीटा प्लस 2 cos α प्लस बीटा, cos A cos β प्लस sin A sin β क्या होगा? cos A माइनस, और माइनस में क्या हो गया? 1। अब और सिंप्लीफाई कैसे होगा? ये भी आइडेंटिटी बन गई, 2 cos A cos, यूजिंग 2 cos A cos β, किसके इक्वल होता है? cos A प्लस β प्लस cos A माइनस β। अब ये किसके इक्वल होगा? 2 sin² बीटा प्लस cos, देखो ये आपका a और ये आपका क्या b, तो अगर मैं a प्लस b करता हूं तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा प्लस cos A माइनस β, क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा, और माइनस में क्या हो जाएगा आपका? ये क्लियर हो गया? नाउ बीटा एंड बीटा विल बी कैंसिल आउट, अल्फा एंड अल्फा विल बी कैंसिल आउट, बट वी विल हैव 2 sin² बीटा, ये क्या हो जाएगा? cos 2α, ये क्या हो जाएगा? प्लस cos, प्रूफ क्या करना है हमें? cos 2α, इसकी रिक्वायरमेंट तो बाकी कुछ भी नहीं चाहिए।
आई से दैट यूजिंग कॉस 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस 2 अल्फा प्लस 1 माइनस, इसकी जगह क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा और -1, और कुछ कैंसिल हो रहा है, +1 -1 ये भी कैंसिल, एंड इट इज इक्वल टू cos 2 अल्फा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मुझे पता आप लोग पहुंचने वाले थे, बस हो गया क्लियर, ठीक है।